भाई ये मैं हूँ और मेरा यार सही नहीं हुआ, सही नहीं हो रहा यार।
तो जी जनाब, अब बारी है भाई जौहर ब्रोस्ट के खाने को एक्सप्लोर करने की, और फुल अनलिमिटेड किस्म का खाना मेरे सामने आ चुका है और अब इसको वन बाय वन ट्राई करते हैं और देखते हैं कि भाई यहाँ का टेस्ट कैसा है। अच्छा, इसमें मैं बताता चलूँ कि क्या क्या यहाँ पे है। मटन कढ़ाई 1 kg, उसके साथ एक स्मॉल पिज़्ज़ा है, और जिस तरह जौहर ब्रोस्ट है यार, ब्रोस्ट तो मस्त है ना, उसके साथ क्या कहते हैं कि रिफ्रेशिंग ड्रिंक मिनमार ग्रीटा और शीश तो चिकन मलाई बोटी, और भाई बहुत ही मज़ेदार किस्म के नान। उनकी प्रेजेंटेशन देखे मैं कह रहा हूँ कि भाई बस जल्दी से शुरू मैं करूँ। तो अब चलते हैं इसके रिव्यू की जानिब और बताते हैं भाई यहाँ का खाना कैसा है। तो जी जनाब, शुरू करते हैं भाई एपिटाइजर का सेक्शन, और एपिटाइजर का जो प्रॉपर सेक्शन था सूप शूप थे, लेकिन मैंने कहा कि भाई पिज़्ज़ा तो मस्त है ना, पिज़्ज़ा आप शुरू करते हैं और उसके साथ ब्रोस्ट जो यहाँ की सिग्नेचर आइटम है उसको खाते हैं और बताते हैं कैसे। तो शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिज़्ज़ा आई गेस थोड़ा सा ना हार्ड हो गया हुआ है, क्योंकि खाना थोड़ा ठंडा हो गया हुआ है, इस वजह से जो पिज़्ज़े के अंदर एक वाइब आ रही है ना, वो प्रॉपर वाइब नहीं है। तो अब चलते हैं भाई ब्रोस्ट की जानिब और देखते हैं कि ब्रोस्ट क्या मज़ा करवा रहा है। पिज़्ज़े ने थोड़ा मुझे डिसपॉइंट किया, लेकिन अब चलते हैं ब्रोस्ट की जानिब और देखते हैं वो कैसा है। ब्रोस्ट मज़ेदार है, प्रॉपरली कुक है, और जिसके ऊपर एक पूरी थिन सी लेयर बनी हुई है ना क्रिस्पनेस की, वो काफ़ी मज़ा करवा रही है। तो अब चलते हैं अपने देसी सेक्शन की जानिब, उसमें मेरे पास है टकाटक है, उसके साथ मटन कढ़ाई है, उसको खाते हैं हम बताते हैं भाई वो कैसे है। तो जी जनाब, अब बारी है भाई देसी आइटम्स की, और उसमें है मेरे पास मटन कढ़ाई जो कि बहुत ही डिलीशियस लग रही है, और उसके साथ है चिकन कढ़ाई। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, मैं कहता हूँ रोटी के अलावा तो हो ही नहीं सकता। मेरे पास यहाँ पे नान भी है, लाइक उसमें गार्लिक नान है, रोगनी नान है, उसके बाद क्या कहते हैं चीज़ नान भी है, लेकिन मैं खाऊंगा भाई इसको रोटी के साथ, उसको हम बाद में ट्राई करेंगे। तो अभी भाई रोटी के साथ इसको खाते हैं, बताते हैं कैसे है। अच्छा, मेरे साथ क्या कहते हैं कि कुलवंजी नान भी है, तो नानों की पूरी वैरायटी है यहाँ पे। तो शुरू करते हैं भाई चिकन कढ़ाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ की थोड़ी स्पेशलिटी भी है, तो अब इसको खाते हैं और देखते हैं कैसे। यार फुल मज़ेदार, मुझे जो ज़्यादा मज़ा करवाया ना वो है मटन कढ़ाई। अच्छा, अब जो मटन कढ़ाई है ना, उसका बड़े कोई मज़ेदार किस्म का सीन है। क्यों उसने मुझे ज़्यादा मज़ा करवाया, क्योंकि उसके अंदर ब्लैक पेपर है, मतलब लाल मिर्च का दूर दूर तक कोई एलिमेंट नहीं है। लेकिन जो चिकन कढ़ाई है वो आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह पंजाबियों को मतलब फुल मिर्चों वाली चीज़ें पसंद है, उसमें लाल मिर्च का फुल एलिमेंट है, वो अपनी जगह पर मिसालेदार है, इसमें मिसालें हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है। तो जो मटन कढ़ाई है भाई, हाईली रिकमेंडेड है, जब भी आप जौहर ब्रोस्ट आपका चक्कर लगे इसको आपने लाजमी खाना है। अच्छा, प्रॉपरली वो कुक है, टेंडर है, और उसकी क्या कहते हैं कि जो ज़्यादा मतलब मज़ा करवा रही है चीज़, वो प्रॉपरली जो गोश्त है ना वो हुआ है कुक, क्योंकि उसको प्रेशर कुकर में उसने मुझे बताया था कि कुछ 30 से 35 मिनट उसको वो क्या कहते हैं कुक करते हैं, उसके बाद फिर उसको प्रॉपरली जिस तरह वो भूनते हैं, मिसाले होते हैं, सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें थी। तो भाई मुझे यहाँ की जो कढ़ाई है ना, उसने भाई मेरा दिल जीत लिया। और अब चलते हैं भाई यहाँ का टकाटक था मिक्स, मतलब उसमें गुर्दा पूरा दिल और क्या कहते हैं चाम भी थी। तो अब चलते हैं उसकी जानिब और देखते हैं कि भाई वो क्या मज़ा करवा रहा है। तो जी जनाब, मेरी सुनो बात पहले, अगर आप देख रहे हो कि मैं सलाद को नहीं खा रहा, ऐसा कोई मतलब मसला नहीं है, उसको मैं भाई खोलूँगा, ज़रा क्या कहते हैं कि एक सस्पेंस भी तो होता है ना, उसको मैं खोलूंगा, उसको मैं साथ लेके जाने वाला नहीं हूँ। खैर, वापस आता हूँ मैं अपने क्या कहते हैं कि जो हमारा टकाटक था वो रह गया था। अब टकाटक को खाते हैं और बताते हैं कैसा है, क्योंकि आप ये कह सकते हो कि कॉकटेल है, इसमें सारा कुछ ही है। तो अब खाते हैं और बताते हैं कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई फुल मज़ेदार, इतना मतलब टेस्टी है और डिलीशियस है, फुल स्क्रम्पशियस सा ये कहते हैं देसी फूड है। अब इसमें मतलब सीन वही है कि सारी चीज़ों को आपको देखे मतलब उसके बाद फुल टकाटक वो पूरा मतलब म्यूज़िक बाबा जी बना रहे थे, और इतना मतलब ये डिलीशियस और टेस्टी है,
क्योंकि एक तो मतलब ये देसी कुछ चीज़ें हैं लाइक जिस तरह उसके अंदर क्या कहते हैं कि दिल था, गुर्दे थे, उसके बाद कपूरा था और चांप था, तो वो उनका जो पूरा मिक्सचर सा बनना है, कॉम्बिनेशन सा बनना है, बहुत ही मतलब मज़ा करवा रहा है। उसके ऊपर फिर जब वो मलाई और बाकी जो चीज़ों का उनका एक पूरा मिक्सचर बना हुआ था मिसाले का, वो बनाने के बाद मतलब इतना ही डिफरेंट लग रहा है, लाइक आपको ये फील होगा कि आप कीमा खा रहे हो। तो काफ़ी मज़ेदार है और थोड़ा डिफरेंट है। और सबसे मज़े की बात यह कि मतलब मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैं क्यूरियस भी था इस चीज़ को लेके, यार जब आप सारी चीज़ों को मिलाते हो तो उसका टेस्ट कैसा आता है। तो मैं इससे भी काफ़ी सेटिस्फाई हूँ, लेकिन भाई कड़ाई कड़ाई है। अब चलते हैं यहाँ के बारबेक्यू सेक्शन की जानिब और देखते हैं कि भाई वो क्या मज़ा करवा रहा है। तो अब चलते हैं बारबेक्यू सेक्शन की जानिब। तो जी जनाब, अब भाई फुल मज़ेदार किस्म का यहाँ का जो शीश तोक था और जो मलाई भोटी है भाई, मैं कहता हूँ कि उससे जब वो मेकिंग कर रहे थे वो पूरी वो जो सीख थी वो फुल मज़ा करवा रही थी। अब मेरे पास आ गया गर्मा गर्म फुल मज़ेदार किस्म का यहाँ का बारबेक्यू का सेक्शन, उसको खाते हैं और बताते हैं कैसे है। तो मेरे पास है भाई यहाँ पे सबसे पहले जो, अरे वाह यार ये चीज़ बिल्कुल फुल टेंडर है अभी, और इसको मैं डिप करता हूँ रायते में और बताता हूँ कि भाई ये कैसे है। ये शीश तोक भोटी है, भाई लेवल है, मुंह में रखी है और घुल गई है। अब मलाई बोटी की तरफ चलते हैं और देखते हैं वो कैसी है। भाई देसी खाने का ना सोखे अल्फाज में बात करूं तो भाई स्वाद आ गया फुल। देसी खाने बहुत खाए हैं लेकिन यहाँ का बारबेक्यू, यहाँ की जो कढ़ाई है, मेरी तो फेवरेट हो गई है भाई। इंतहाई मज़ेदार फुल चीज। और अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की जानिब, जो के है अब हमारे पास सलाद रहता है, जाना गई नहीं है, उसके साथ ये भी है। और अब हमारे पास लास्ट सेक्शन है, उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि भाई उसमें हमें क्या मिलता है। तो अब चलते हैं लास्ट सेक्शन की जानिब। तो जी जनाब, ये मैं हूँ, ये मेरा कैमरा मैन है, और ये बड़ी कोई मज़ेदार किस्म की खीर है। अच्छा थोड़ी सी मैंने आपके साथ चीटिंग की है, मैंने इसको पहले टेस्ट किया था और यकीन माने इतनी मज़ेदार है, लेकिन अब इसको फिर दोबारा रिव्यू करता हूँ और बताता हूँ कैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी हाँ अच्छा रिव्यू बताता हूँ यार, इतनी कोई मतलब मज़ेदार खीर है ना, इसके अंदर जो फुल एक रिफ्रेशमेंट आ रही है ना, जो रूह अफ़ज़ा का इसके अंदर जायका आ रहा है, उसके ऊपर जो उन्होंने बादाम क्या कहते हैं कि रोस्टेड करके काट के डाले हुए हैं, जब वो चंक उनके मुँह में आते हैं और जो एक पूरा मतलब एक वाइब आ रही है, सही मतलब क्या कहते हैं कि देसी किस्म की ना खीर होती है अगर आपने वो खाई हुई है, तो इतना मतलब मज़ा करवा रही है और मैं तो बिल्कुल इसमें डूब ही गया था। तो भाई खीर हाईली रिकमेंडेड है, कढ़ाई हाईली रिकमेंडेड है, बारबेक्यू भी हाईली रिकमेंडेड है, ये तीन चीज़ें तो मस्ट हैं। और खीर इतनी इकोनॉमिकल है, आई गेस 110 या 100 रुपए की है सिर्फ। तो खीर भाई और कुछ खाओ ना खाओ खीर को लाजमी ट्राई करना। और अब भाई चलते हैं हम अपने फाइनल रिव्यू की जानिब, उसमें ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जी जनाब, अब मैं आता हूँ भाई यहाँ के ओवरऑल एक्सपीरियंस की जानिब। और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था इट वॉज हाईली टू गुड, स्पेशली जो यहाँ का फूड था। अगर मैं बात करूँ देसी खाने की, देसी खाना बिल्कुल मैं कहता हूँ कि 100% मतलब 100 से भी 110% बहुत ही ज़बरदस्त था। सबसे जो मज़ेदार चीज़ थी दैट इज़ उनकी जो मटन कढ़ाई थी, मैं कहता हूँ क्या ही वो लाजवाब थी, फुल उसके अंदर जो वाइब्स आ रही थी मज़ा करवा रही थी। उसके बाद जो चिकन कढ़ाई थी वो भी एक अच्छा ऑप्शन था जो भाई मिर्ची लवर्स हैं। उसके बाद जो खीर थी और खीर के बाद एक और चीज़ थी बारबेक्यू भी भाई बहुत मज़ेदार था। तो अगर आप इसको देखते हो देसी खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं कहता हूँ कि हो सकता है कि यासिर का अगला कंपटीटर जौहर ब्रोस्ट बन जाए। तो ब्रोस्ट भी अच्छा था, बस थोड़ा सा पिज़्ज़ा ने डिसपॉइंट किया था, बाकी ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था बहुत ही ज़बरदस्त था। और एक अच्छी प्लेस है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए, वो यहाँ पर आए अपना क्या कहते हैं कोई गेट टुगेदर वो अरेंज करवा सकते हैं, बर्थडे की फैसिलिटीज़ हैं और खाना काफ़ी हाइजीनिक था। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था बहुत ही ज़बरदस्त था। और एंड पे जो भाई मज़ा करवाया खीर ने, मैं कहता हूँ पूरा खाना एक तरफ और खीर एक तरफ। तो भाई ये सारा एक्सपीरियंस था और मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर आएँ, एक अच्छी लोकेशन है, बहुत ही सिंपल सी लोकेशन है कि जो LDA का ऑफिस है उसके बिल्कुल ऑपोजिट जौहर ब्रोस्ट है। तो नाउ फॉर दिस टाइम एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई फुल मेहनत हो रही है, सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा है तो सब्सक्राइब करें। एंड नाउ फॉर दिस टाइम टीम रियल फूडी के साथ शाहिद मलिक, अल्लाह हाफिज़। जिला सरी।